उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कोरोना महामारी के चलते उत्तर प्रदेश राजस्व में भारी घाटा होने का बयान दिया है। उनका कहना है कि टैक्स न मिलने की वजह से महज 45% ही राजस्व मिला है, जो कि अब तक का सबसे कम राजस्व है। कैबिनेट मिनिस्टर ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी। इस महामारी में हमारा जो कर राजस्व है और करेत्तर राजस्व दोनों प्रभावित हुआ है और अब विकास का पहिया फिर से शुरू हुआ है। धीरे धीरे हम पिछले महीने अप्रैल से बेहतर रहे मई में, मई से बेहतर रहे जून में, तो हमारी कोशिश यह है कि पूर्व स्थिति बहाल हो और जो भी परिस्थिति है उससे निपटना तो पड़ेगा ही। आज शाहजहांपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यहां जैव विविधता पार्क में वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण को लेकर उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में कल एक साथ 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने अपील की है कि कम से कम एक व्यक्ति दो पौधे जरूर लगाए। पूरे प्रदेश में 25 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज सुरक्षित स्थानों पर हमने ये वृक्षारोपण का यहाँ पर प्रारंभ किया है। आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। कल सुबह भी हम यहाँ करेंगे, कल शाम को हम चूँकि लखनऊ के प्रभारी भी हैं, इसलिए कल शाम को लखनऊ में भी हमारे 6:30 बजे का कार्यक्रम दिया है, वहाँ भी मैं करूँगा। और हमारा कोशिश यह है कि हर हालत में सुरक्षित स्थान पर पेड़ लगें ताकि वो जिंदा रहें, सर्वाइव करें। कानपुर में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पुलिसकर्मियों के परिवार के साथ है और शहीद हुए पुलिसकर्मियों पर उन्हें गर्व है। शहादत पर विपक्षी पार्टियों द्वारा बयानबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों के पास इस वक्त कोई काम नहीं है, वह खाली बैठे हैं, इसलिए इस तरीके की उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। उन जांबाज सिपाहियों को, उन पुलिसकर्मियों को शाबाशी देना चाहिए जो अपने फर्ज को निर्वाह करते हुए शहीद हुए। वो भागे नहीं, उन्होंने पीठ नहीं दिखाई, वो एक अपराधी के खिलाफ दबिश देने गए थे और ऐसी परिस्थिति में उनके साथ ये घटना हुई। ये घटना मैं समझता हूँ कि निंदनीय है, लेकिन हमें उन पुलिस वालों पर जिन्होंने शहादत दी अपने फर्ज को निभाते हुए, उन पर गर्व भी है और ये सरकार पूरी की पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है, उनके परिवार के साथ खड़ी है। हमारी पूरी संवेदनाएं उसके परिवार के साथ हैं और हर प्रकार की सहायता उनके परिवार को की जाएगी, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा। लेकिन चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, मायावती, वो विपक्ष घेर रहा है इस कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश के। इनके पास कोई काम नहीं है आजकल सिवाय बयानबाजी करने के और जनता ने इनको पहले से नकार दिया है, तो ये अपनी कुंठा निकालते हैं।